हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फितेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लास में। तो कल जो हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था वर्कशॉप टूल्स, तो इस चैप्टर में हम लोग पहला जो फाइल स्टार्ट किए थे टूल्स वो रेती यानी कि फाइल्स, तो इसके बारे में कल हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था। और ये जो कि मतलब वर्गीकरण है लंबाई के आधार पर देख लिए थे, आज हम लोग देखेंगे अनुप्रस्थ काट के आधार पर। तो अनुप्रस्थ काट के आधार पर भी इनको निम्न वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्या हस्त रेती यानी कि हैंड्स फाइल। तो जानेंगे हैंड्स फाइल के बारे में। ये जो आपके सामने फिगर है ये है हैंड्स फाइल। जैसे कि हम लोग नाम देख रहे हैं अनुप्रस्थ काट, ये अनुप्रस्थ काट होता क्या है? जैसे ये जो रेती है इनके जो आगे वाला जो भाग है, ये चाहे आयताकार हो या वृत्ताकार हो या त्रिभुजाकार हो, इनके आगे जो आकार रहता है वही होता है अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो ये जो हैंड्स फाइल है यानी हस्त रेती, इनका जो अनुप्रस्थ काट है वो किस आकार का रहेगा? ये इनका जो आकार रहेगा वो रहेगा आयताकार। आयताकार यानी कि ये जो अगला वाला पोर्शन है ये रहेगा आपका आयताकार का, और ये जो चौड़ाई है रेती का इनके समांतर रहेगी, रेती के चौड़ाई का समांतर रहेगी इनके अनुप्रस्थ। ठीक है, अब आता है कि इसमें दांते कैसे कटी होती है। इसमें जो दांते हैं ये दोहरी दांते कटी होती है, जैसे इधर से भी है इधर से भी है, दोनों तरफ से दांते कटी होती है। इसमें जो किनारा है यानी कि एक किनारा इधर दूसरा किनारा इधर भी है, तो इसमें एक किनारे में दांते कटी होते हैं, एक किनारे में। ये जो दूसरे किनारे हैं इसमें दांते कटे नहीं होती है, बस एक ही किनारे पे इनके दांते कटे होती हैं। ये जो दूसरे किनारे पे दांते कटे नहीं होते इसको क्या कहते हैं? इसको सुरक्षित कोर्वी कहते हैं। जिधर दांते कटे नहीं होते हैं उनको सुरक्षित कोर्वी कहते हैं। ठीक है, सुरक्षित कोर। तो रेती का काम तो सबको पता होगा, कल भी बताए थे। तो ये जो हस्त रेती इनका हम लोग उपयोग कहाँ पे करेंगे? तो कोई भी सामान्यतः धातु, सामान्यतः धातु जिनको प्लेन करना यानी कि खुरदरा सतह को हटाना हो उस जगह पे हम लोग हस्त रेती का यूज करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर महोदय थोड़ा पाउच करिए। सेकंड जो आपका वर्ग रेती है, वर्ग रेती, तो इनका जो अनुप्रस्थ काट होगा वो किस आकार का होगा? अनुप्रस्थ काट वर्ग रेती, जैसे नाम से ही पता चलता है ये जो भाग है इसका अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होगा यानी कि वर्ग के आकार का होगा। ठीक है, इसमें जो दांते कटे होते हैं वो कैसे होते हैं? इसके दांते ये भी दोहरे दांते कटे होते हैं, इसमें भी दोहरे दांत कटे होते हैं, इसमें भी। इसका हम लोग उपयोग कहाँ पे करेंगे? इनका उपयोग कोई भी मेटल होता है जैसे कि उसमें वर्गाकार आकार को देना है तो उसमें हम लोग वर्गाकार फाइल का हम लोग यूज करेंगे, उसमें ये काम आता है वर्गाकार फाइल। ठीक है, तीसरा नंबर जो है चपटी रहती है, चपटी रहती चपटी रहती पाउच करिए थोड़ा। तीसरा देखिए चपटी रहती, ये जो फिगर आपको देख रहा है ये चपटी रहती। ठीक है, तो इनका जो अनुप्रस्थ आकार होता है वो कैसा होता है? अनुप्रस्थ आकार, अनुप्रस्थ काट का आकार कैसा होता है? इनमें भी जो होता है चपटी में आयत के आकार का होता है यानी कि आयताकार होता है। जो पहले हम लोग पढ़े हस्त रहती उसमें भी आयताकार था, और ये जो चपटी रहती है इसमें भी आयताकार होगा। इसमें दांते कैसे कटा जाता है? इसमें चपटी रहती में तो इसके जो दांते कटे होते हैं इसमें भी दोहरी दांते कटे होते हैं, दोहरी दांते कटी होते हैं इसमें भी यानी कि दोनों तरफ से दोहरी दांते कटी होती है। ठीक है, अब इनका जो किनारा है यानी दोनों साइड जो किनारा आता है, किनारे में इनका एक हरे दांते कटे यानी कि एक साइड से दांते कटी होती है,
इनकी जो चौड़ाई है इसमें दोहरी दांते कटी है, लेकिन इनके जो किनारे है दोनों साइड इसमें एक हरी दांते कटी है, इनको याद रखिएगा। इनका काम कहाँ पे उपयोग होता है, कहाँ पे इनका काम लेते हैं हम लोग? तो इनका काम लेते हैं हम लोग चपटे तलों में, यानी कि चपटे तलों में खुरदरी भाग को चिकनाई करने के लिए या खुरदरी भाग को रेत के हटाने के लिए, ठीक है। ताज रहने देते हैं यहीं तक, कल हम लोग फिर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।